कम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल हमारा पहला ये है और ये 30 मई 2022 के शिफ्ट दो के सारे क्वेश्चन हैं। तो मैं सारे क्वेश्चन के हिंदी में नहीं लिखा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है समझना, तो इसीलिए कुछ को मैंने इग्नोर किया। तो यहाँ बोला गया है ए कैन पी से डू अ वर्क इन 15 डेज, मतलब ए एक काम को 15 में करता है, बट विथ हेल्प ऑफ पी ही कैन डू इट इन 9 डेज, मतलब पी के मदद से वो 9 दिन में करता है। तो इन हाउ मच टाइम बी कैन डू इट अलोन। तो इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो 1/15, मतलब बी का मान लेते एक दिन का मैक्स है, मतलब ए एक्स दिन में बी ख़त्म कर देता है और ए ख़त्म करता है 15 दिन। तो एक दिन में कितना काम करेगा ये 1/15, बी कितना करेगा 1/x, दोनों मिलके 9 दिन में ख़त्म करें, दोनों एक दिन का काम कितना होगा 1/9। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो 1/x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/9 - 1/15, इस कैल्शियम लेंगे आएगा 45, इकट्ठा 5 बार में इकट्ठा 3 बार में 2/45। तो x इक्वल टू कितना आएगा 45/2, ठीक है, ये 1/x इक्वल टू था तो आएगा 22.5 डेज, ठीक है। और नहीं तो ऐसे कर सकते कि मान लेंगे 15 और 9 कैल्शियम कितना है 45, तो एक एफिशिएंसी कितना हो गया 45/15, 3 दोनों का मिला के एफिशिएंसी कितना हो गया 45/9, मतलब 5। तो ए अकेला 3 काम कर रहा है एक दिन में, ये 5 काम कर रहा है दोनों मिलके, तो बी कितना करेगा 2 दिन, टोटल काम कितना है 45, तो 45/2 22.5। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें बोल दिया गया है साइन 18 का मान दे दिया गया है और हमें निकालना है कॉस 18 का, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप 18 को थीटा ही पकड़ ले एक तरह से, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमने थीटा का मान 18 बैठा दिया, तो हमें साइन 18 का मान तो दिया हुआ था √5 - 1/4 का होल स्क्वायर, और ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - √5 - 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर डायरेक्टली √5 - 1 का होल स्क्वायर। तो रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो √5 का स्क्वायर 5, मतलब ए स्क्वायर 5 हो गया, तो माइनस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस 1 माइनस 2√5 होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस तो 2√5। तो ऊपर आ गया आपका 16 में से 6 गया 10, यह आ गया 2√5 और नीचे आ गया आपका 16, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये रूट, तो नीचे का रूट तो 4 हो गया, ऊपर का रूट नहीं है, तो आंसर नंबर फर्स्ट वाला हमारा सही है। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास बोला गया है आउट ऑफ 24 बैंगल्स ईशा गेट 6 बैंगल्स फ्री ऑफ कॉस्ट, व्हाट परसेंट डज ईशा गेट एज डिस्काउंट, ठीक है। तो जब वो 24 बैंगल लेती है तो उसको कितने बैंगल मिलते हैं फ्री में, 6, तो उसके टोटल बैंगल्स कितने मिल रहे हैं 30 बैंगल्स मिल रहे हैं, 30 में से 6 फ्री मिला है, तो 6 जो डिस्काउंट है कितने पर डिस्काउंट है 30 पे, 6/30 × 100 5 20%, ठीक है। अगला सवाल, एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया है कि मिक्सेस 2 क्वालिटीज ऑफ राइस विच कॉस्ट हिम 40 per kg एंड 47.50 per kg रेस्पेक्टिवली इन सच अ वे दैट इज 50 kg ऑफ बैलेंस्ड राइस कॉस्टिंग हिम ₹645। वट इज द वेट ऑफ द राइस दैट कॉस्ट हिम 47.50 per kg। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि देखिए उसने 2 राइस मिलाए हैं, ठीक है, एक का दाम उसे पता है 47.5, ठीक है। तो अगर दोनों को मिला के ये बेच रहा है तो बेचने में उसे कॉस्ट कितना पड़ रहा है, मतलब उसके पास 15 किलो राइस है, 15 किलो राइस का पड़ रहा है उसे
6:45। तो पहले निकाल लेंगे कि जो मिला हुआ राइस है उस मिला हुआ राइस का 1 kg का दाम कितना हो गया। तो 15 का दाम 645 है, तो 1 का दाम हो जाएगा 645 बटा 15, तो हो जाएगा 43। तो एक हो गया आपका 47.5, दूसरा आपका 40, दोनों को मिला के बेच रहे 43.5 में। तो एक बार इसे घटाएंगे तो आएगा 4.5, एक बार इसे घटाएंगे तो 3, तो ये हो जाएगा आपका 3:4.5, तो हो जाएगा आपका 2:3, ठीक है। 1.5 से दो बार, 1.5 से 3 टाइम में, तो उसके पास व्हाट इज़ द वेट ऑफ राइस दैट कॉस्ट हिम। तो उसके इतने राइस है टोटल 15 kg, 15 kg में ये मिला है 2 के रेशियो में, मिला है 3 के रेशियो में। तो हमें पूछा गया ये कितना है, तो लिखेंगे 2/5 × 15, तो कटा 3, ये से आ गया 6, 6 kg हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल, अच्छा ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया है तो प्लीज़ इसे इग्नोर करते हैं हम लोग। अगला सवाल ये हमारा, एक कक्षा में 10 छात्रों के समूह का औसत अंक ए है और 15 छात्रों का औसत A+8 है, जिसमें से 10 छात्रों का समूह शामिल है, ठीक है। 10 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त की कुल अंक X है और 15 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त कुल अंक Y है। यदि X:Y 3:5 है तो A+X+Y का मान निकालें, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें समझना होगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। तो पहले 10 ग्रुप के स्टूडेंट का एवरेज नंबर कितना है, A है, तो इन 10 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना हो जाएगा, 10A। उसी तरीके से 15 स्टूडेंट का कितना एवरेज मार्क्स है, A+8, तो इनका टोटल मार्क्स हो जाएगा 15, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इन दोनों के जो टोटल नंबर है, जो दस स्टूडेंट उसके नंबर है X, ठीक है, और जो Y, जो दूसरे वाले 15 उसके Y, जिनका रेशियो आपको दे दिया गया है 3:5, तो ये हमारा पहले 10 का है, ये हमारे 15 का है, तो 10A+A+8 × 15 = 3/5, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से कुछ होगा, तो 5 से काट लेंगे इसे हम 3 बार में, तो ये चला जाएगा ऊपर 9, ये आएगा 10A = 9A+10, ये A+8 है, सॉरी A+10 नहीं है, तो 8 हो गया, तो ये आएगा 10A = 9A+72, तो A = आ गया आपका 72, ठीक है। तो अब से पूछा क्या गया हमें कि A+X+A का मान निकालो, तो ये हमारा X था, तो X कितना हो जाएगा 10 × 72 720, ये हमारा Y था, तो वैल्यू बैठाएंगे 72 + 8 = 80 × 15 आएगा 1200, बोला A+X+Y 720 + 1200 + A, तीनों को अगर ऐड करेंगे तो आएगा 1992, ये हमारा आंसर है। अगला सवाल, 2 trains लीव आगरा फॉर कैलकाटा एट 9 AM and 9:30 रेस्पेक्टिवली एंड ट्रैवल 240 km/h एंड 3 km/h रेस्पेक्टिवली, हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम आगरा विल द 2 trains मीट। तो इसे सिंपल सवाल में ये पूछेंगे कि ट्रेन निकल रही है आगरा से कैलकाटा की तरफ, 2 ट्रेन निकल रही है, एक निकली 9 बजे, दूसरी निकली 9:30 बजे, ठीक है। तो पहली ट्रेन का स्पीड जो है वो 240 km/h और दूसरे का है 350, तो जब ये 9 बजे निकली 9:30, मतलब ये जब आधे घंटे चल लेगी तब ये निकलेगी, ठीक है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है, अभी इसे हमें समझना है कि कैसे वो चल रही, कितना दूर वो पहुँचेगी, ठीक है। तो सबसे पहला बात, जब ये 9 बजे से निकली है ये पहुँचेगी, तो कितनी दूर पहुँचेगी ये पहले हमें वो निकालना होगा, ठीक है। तो ये कितनी दूर पहुँच जाएगी, 240 है स्पीड इसका, तो 240
कितना टाइम हो गया, आधा घंटा, आधा घंटा मतलब आधा 1/2, ठीक है, तो 120 किलोमीटर ये चल जाएगी। दोनों ट्रेन के बीच की दूरी कितनी है, 120, मतलब इसे 120 एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा तब जाके ये मिलेगी। दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होगा दोनों का, घटेगा। तो इनका एफ स्पीड कितना हो गया, 300 माइनस 240 जो कि आ गया 60, ठीक है। अब 60 किलोमीटर पर के हिसाब से इसे ये 120 कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो 240, ये इसका जो ए का जो मतलब पहले ट्रेन का जो 240 है वो दूसरे ट्रेन का 240 को तो कैंसिल कर दे रही है। मतलब इसके हिसाब से ये ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और 120 किलोमीटर पीछे है, तो दो घंटा बाद क्या होगा, ये ट्रेन जो है इसे पकड़ लेगी। कैसे, दूरी 120 था 60, तो दो घंटे बाद पकड़ लेगी। अब दो घंटे बाद ये ट्रेन कितना जाएगी हम वो निकालना है, तो दो घंटे बाद 9:30 से स्टार्ट करेंगे तो 11:30 पे कितना ये ट्रेन कहाँ पे रहेगी, 11:30 पे दोनों ट्रेन मिल जाएगी। तो जितना दूर ये जाएगी उतना ही दूर ये भी जाएगी यहाँ से, क्योंकि पहले 120 ये जा चुकी है। तो बस 300 स्पीड है, समय कितना हो गया हमारा 2, तो 600 किलोमीटर दूरी पर ये मिल जाएगी। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि हमें इसे सॉल्व करके, तो ये बेसिकली कंपेयर करने का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंपेयर करने का मतलब क्या होता है कि ये जो चीज़ है हमें इसे पहले अच्छे से पूरा गुना करना पड़ेगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो पहले ये जेड इंटू टू जेड, टू जेड स्क्वायर हो गया, जेड इंटू माइनस वन माइनस जेड हो गया, ये हो गया 14 जेड, 7 इंटू 2 ये हो गया माइनस 7, ठीक है, ये जेड है। तो ध्यान रखिए, तो अंदर आएगा आपका 2 जेड स्क्वायर प्लस 13 जेड माइनस 7 इंटू 4, और 4 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 8 जेड स्क्वायर, 13 से आएगा 52 जेड, ये आ गया 28। इसके इक्वल टू क्या दिया गया है, ए जेड स्क्वायर बी जेड प्लस सी। तो ए हमारा हो गया 8, कंपेयर करेंगे जेड स्क्वायर के संग में, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे ए है, बी हो गया 52, और देखिए पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो सी हो गया हमारा माइनस 28, याद रखें, ठीक है। अब हमें जो दिया उसका वैल्यू बिठाइए, निकालना क्या बोला, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 52, और सी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस 28। तो इसे अगर ऐड करके हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर 92 माइनस 52 दैट इज़ 40 हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन हमें ये बोला गया है कि हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है, या हिंदी में कहें तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। तो प्लीज़ फार्मूलाज ध्यान रखें, कैलकुलेशन सॉल्व करना स्टार्ट करें तो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। तो पाई का मान दिया 22/7, आर देखिए कितना होगा, यहाँ पे डायमीटर या ब्यास दिया है 14, तो आर इसका आधा होता है, तो 7, ये हो गया 7, और हाइट दिया 25, तो 7 7 यहाँ तो खुद ही कैंसिल हो गया, या ये 44 या जाएगा 32। तो इसका आंसर सिंपल सा है, लास्ट में मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है, तो जिसमें लास्ट में 8 होगा वही आंसर होगा, तो ये वाला हमारा आंसर है, क्योंकि किसी और में 8 है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें ये बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 1.5 ईयर एट 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली इन हाफ ईयर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ऑन 10,000 फॉर 1.5 ईयर्स ईयर 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। मतलब बोला सिंपल गया कि 10,000 रुपये पे जो इन कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा, अगर जो रेट है वो हर एनुअल हर साल लिया जाए या हर 6 महीने लिया जाए, ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोनों केस में CI निकालेंगे, तो पहले केस में जब CI निकालेंगे तो टाइम तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 1.5, ठीक है। दूसरे केस पहले से पहले के निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो गया, ए माइनस पी, ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + r/100 टू द पावर टी माइनस पी। तो पी हमारा है 10,000, आर हमारा है 4% और टी हो गया हमारा 1/2 माइनस 10,000। तो सबसे पहले इसे आप सॉल्व करना सीखें, जब ऐसे पावर में रहेगा आप तो पहले इस 1 को अलग कर लेते हैं,
ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये 1 + 4/200, मतलब ये जो हाफ था इसमें लाके मल्टीप्लाई कर देंगे 4/100 में, तो ये आएगा 4/200, और इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका काटे छाटेंगे तो आएगा कुछ, सॉल्व करके आएगा 608, ठीक है। दूसरे केस में अगर हम लोग निकालेंगे तो सेम फार्मूला होगा, ठीक है, इसमें हाफ ईयरली लेना है, तो जो मेरा रेट है जो 4 था वो एनुअली 4 था, तो हाफ ईयरली कितना होगा 2 हो जाएगा, और 1.5 साल में 3-6 महीने तो समय हमारा 3 हो जाएगा। तो सेम फार्मूला हम बिठाएंगे 10,000 1 + 2/100 टू द पावर 3 - 10,000, तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 612.8। तो कितना का डिफरेंस हुआ दोनों में घटाएंगे, तो ये बड़ा इसे घटाएंगे तो 4.8, मतलब ऑप्शन नंबर 4.08 आएगा। ये आप ध्यान से मारें, ये तो बहुत गलती हो सकती है, 80 भी है 08 भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है, एक शॉपकीपर है, वो सेल करना चाहता है 3,000 के प्रोडक्ट को, ही गिव टू ऑप्शंस, गिविंग 3 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 10% ईच और अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 30%। इफ द बायर चूजेज द फॉर्मर ऑप्शन, हाउ मच एक्स्ट्रा और डज ही पे एज कम्पेयर टू द सेकेंड ऑप्शन। सिंपल से बोला गया कि एक आदमी दुकानदार क्या डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट कितना देता है, वो दो ऑप्शंस में देता है, एक बोलते हैं कि चाहे तो आप लगातार 10% डिस्काउंट लीजिए, 10 10 10, या 30% का डिस्काउंट ले लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अगर बायर जो है वो पहला ऑप्शन चूज़ कर रहा है तो उसे फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ये एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है या कम करना पड़ रहा है। सबसे पहले हम निकालेंगे अगर 10 10% 3 बार डिस्काउंट दिया जाए तो कितना एक्चुअल डिस्काउंट होगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, चाहे दो तरीके हैं, पहले आप 10 10 10 लिखा हो तो पहले दो का निकालें, फिर जो आएगा फिर उसका उससे निकाल लें, या आप तीनों का निकालने के लिए ऐसे कर सकते हैं, बाहर में आप 100 लिखें माइनस 100 इंटू कितना गया 10%, तो 90/100, 3 बार दिया गया है तो 90/100 इंटू 90/100। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे पूरा तो ये आपका आएगा 72.9 समथिंग, 100 में 72.9 गया 27.1%, ठीक है 1%। अब यहाँ पे गया 30%, तो इसे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 2.9%, ठीक है, क्योंकि इसका डिस्काउंट अभी मिला 27%, अगर ऐसे ले जाए 30% डिस्काउंट मिलता तो 2.9% इसे पे करना पड़ रहा है, किसका पे करना पड़ेगा 3,000 का, तो इसका निकालेंगे तो ये आएगा 2.9, पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे आ जाएगा परसेंट का 100 और 0,000 इंटू 3,000 कटा 3 टाइम में तो 87, तो 87 रुपीज़ इसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट 38% वोट लिया और 7200 वोट से हार गया, ठीक है, एक कैंडिडेट है जिसको मिला 38% वोट और वो 7200 वोट से हार गया, मतलब जो कैंडिडेट को जीतना जो जीता हुआ कैंडिडेट होगा और जो हारा हुआ कैंडिडेट को घटाएंगे तो 7200 आना चाहिए, तो अगर हारा हुआ कैंडिडेट को 38% वोट मिल रहा है, ठीक है, तो टोटल वोट मान लेते हैं हम लोग 100x, तो जो हारा उसको कितना मिला 38%, तो अगर 100x का हम लोग 38% निकालेंगे तो आएगा 38x, टोटल कितना था 100x, ठीक है, तो जो घटाएंगे वो क्या आएगा 62x जीता हुआ कैंडिडेट को मिला, तो 62x जीता हुआ को हारा हुआ को 38, तो कितने वोटों से हारा है 7200 से, दोनों को घटाएं कितना आना चाहिए 7200, तो आएगा 24x, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 7200/24, दैट इज 300, ठीक है, टोटल वैलिड वोट कितना हो गया 100 × 300, ओके 30,000। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा भी है, तो इसे अच्छे से सॉल्व करें। देखिए हमारे पास x इक्वल टू 9 है, तो इस हर 10 को हम लोग 9 और प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जितने भी 10 हैं, तो लिखना स्टार्ट करते हैं, पहले इसका पावर 5, ये क्या 10x का 4, तो इसे हम लोग लिखेंगे -x^4 -9x^4, देखिए माइनस माइनस प्लस, अब सेम चीज़ इसमें आएंगे
अच्छा इसको पहले लिखें, इसको बाद में लिखें, थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे हम लोग क्या, 9x³ + x³ 10 आ गया। इसे लिखेंगे -9x² - x² + x - 1। अब इन दोनों से हम लोग x का पावर 4 कॉमन लेते हैं, तो x बचा 9 बचा। इन दोनों से हम लोग x³ कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन लेंगे कितना जाएगा, -x³ कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 9। फिर इन दोनों से x² कॉमन लेंगे तो भी x - 9। इन दोनों से हम लोग -x कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 9, बचा x - 1। तो x=9 है, यहाँ बैठेंगे 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 9 0, तो ये सब 0 हो गया, तो इसका काम ख़त्म हो गया। बचा यहाँ पे x - 1, तो x कितना है मेरा 9, -1 ये हो गया 8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है किसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार बना चुके हैं हम लोग, सिंपल सा बात है। ऐसे लिखिएगा 42:2, यहाँ लिख दीजिएगा, फिर लिखेंगे 42/63, 63/x, तो x=कितना आ गया, 63/63/42। सॉल्व करेंगे आएगा आपका 94.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है कि अ मैन ट्रैवल्ड बाई अ कार फ्रॉम सिटी ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम सिटी बी टू ए 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इज एवरेज स्पीड। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन मिले जहाँ पे जाने आने की दूरी सेम हो और उसका गति दिया हो, तो उसका एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ऐसे केस के लिए जहाँ पे दूरी जाने का आने का बराबर हो, वो होता है 2ab / a + b। तो a 24, b 16, 24 + 16, तो यह आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो हम लोग 19.2 डी नंबर। अगला क्वेश्चन बोला गया एक सॉलिड टॉय है, एक शेप में, इस तरीके से शेप में है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिलेंडर कोन एंड हेमिस्फेरिकल बोल, द सिलेंडर कंट्रीब्यूट्स 50% ऑफ द टोटल वॉल्यूम द टॉय, द कोन कंट्रीब्यूट्स 20% ऑफ द वॉल्यूम, द फाइंड द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ कोन सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा आसान सा सवाल है, इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। देखिए 100% में से 50% सिलेंडर और 20% कोन कर दिया, तो हेमिस्फेयर कितना करेगा, 50 में 70 ख़त्म, तो 30। तो किसका किसका पूछा गया, पहले बोला गया है कोन का, फिर सिलेंडर का, फिर हेमिस्फेयर का। तो कोन कितना करता है, 2%, तो 20%, सिलेंडर 50% और ये निकालो 30%, तो 2:5:3। ठीक है, बस यही सजा के लिखना था और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन ये सिंप्लीफिकेशन है, तो ये प्लीज़ ये आप लोगों के लिए, अगर आप सॉल्व कर पा रहे तो आंसर सॉल्व करके आंसर आप हमें लिख के दे, बताया कितना आ रहा है, तो बहुत बेटर रहेगा। ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस खुद से करना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि 90 डिग्री केंद्रीय कोण वाले 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहला बात क्या होगा कि एक वृत्त में 360 डिग्री पूरा होता है, तो 360 डिग्री बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो एक डिग्री का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360। तो 90 डिग्री का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360 × 90, तो 90 से काटे से हमने 4 बार में। ठीक है, अब हम इसे मान बैठाएंगे, तो पाई का मान कितना हो गया 22, पहले 1/4 लिख देते हैं ये वाला, ये हो गया 22/7। आर का मान कितना है, 7² मतलब 49, कटा 7 बार में, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 38.5 cm². ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बोला गया है एक कंपनी क्या है 20% अपने उस पर डिस्काउंट देती है और गेन करती है 20% ऑन पार्टिकुलर आर्टिकल, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस द कंपनी मार्क्स इट्स गुड प्राइस। तो बोला क्या गया कि उसका जो कंपनी है कितना परसेंट वो ऊपर निकाल रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखिए सेलिंग प्राइस जो है दो तरीके से निकाला जा सकता है,
एक क्या है, मार्क प्राइस में आप डिस्काउंट घटा दीजिए तो भी सेलिंग प्राइस निकलेगा, और कॉस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट को जोड़ दीजिए तो भी सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो मार्क प्राइस हम लोग मान लेते हैं एमपी है, 20% का छूट था तो कितना बचा, 80/100। कॉस्ट प्राइस सीपी है, इसमें 20% का गेन है तो 120/100, दोनों सीपी या एसपी आया इक्वल होना चाहिए, 100-100 कट गया। तो एमपी बाई सीपी कितना हो जाएगा, 120/180, तो आएगा 3 या आएगा 2। ठीक है, तो पूछा है कितना ज़्यादा है वो। ठीक है, तो किससे ज़्यादा होगा, तो देखिए ज़्यादा कितना होगा, एम पी मेरा 3 आया, सी पी मेरा 2 आया, ज़्यादा कितना हो गया, 1 ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा किस पे होगा, सी पी से ही होगा। तो अपने कॉस्ट प्राइस से वो 50% ज़्यादा मार्क कर रहा है अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला है कि सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब घनाभ होता है। ठीक है, तो आप दो काम कर सकते हैं इसमें, कि आप आंसर से मीटर स्क्वायर में पूछा है तो आप सबको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और गुना कर लीजिए, और नहीं तो आप 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए। उसके बाद जिसको कोई पॉइंट में दिक्कत है वो हमेशा छोटे वाले में बदले, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में बदले, लास्ट में आप सॉल्व कर सकते हैं। जिसको पॉइंट में दिक्कत नहीं है वो नॉर्मल सॉल्व करे, सेम आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबको मीटर में बदलेंगे। तो 90/100 करेंगे तो आएगा 0.9, 50/100 करेंगे तो 0.5 या ये 4। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो फॉर्मूला बैठा है 0.9, 0.5, 0.5 इंटू 0.4, 0.9 इंटू 0.4। तो इन सब को अगर सॉल्व करेंगे तो घूम पे आएगा 12.1 मीटर स्क्वायर। तो प्लीज़ आप ये कैलकुलेशंस आराम से बैठ के जरूर करें, क्योंकि एक सीजीएल पूरा ही कैलकुलेशन बेस्ड ही है। ठीक है, अगला सवाल बोला गया है हमें कि आप एवरेज निकालें ऐसे जितने भी नंबर है डिविजिबल फ्रॉम 5 to -10 जो कि न्यूट्रल नंबर्स है। ठीक है, या हिंदी में कहेंगे इसे हम लोग वास्तविक संख्या। तो सबसे पहला बात आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ये हो सकता है -10 से पूछा गया हो, तो बहुत लोग हड़बड़ी में क्या करेंगे कि -10 और -5 दोनों को ले लेंगे। लेकिन इसमें क्या बोला गया, न्यूट्रल नंबर या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या न्यूट्रल नंबर हमेशा 1 से चालू होता है, 1, 2, 3, 4, माइनस वाले को प्राकृतिक संख्या या न्यूट्रल नंबर नहीं बोला जाता है। तो शुरू कहाँ से होगा, 5 से, फिर क्योंकि 5 से कटने वाला बोला गया है, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30, 35। इसे आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, 5 कॉमन लिया जाएगा, 1+2+3+4+5+6+7, तो n इंटू एन प्लस 1/2, तो 5 × 7 n हो गया, क्योंकि 7 संख्या है, n प्लस 8/2, 4 काटे 140, तो सम कितना हो गया 140। टोटल संख्या कितने हैं, 7, तो 20, 20 इसका एवरेज हो गया। ठीक है, बहुत लोगों ने ये गलती किया होगा, जब भी क्वेश्चन पूछा गया होगा इसे -10 -5 भी ले लिया होगा, सोचा होगा हम भी तेज हैं। अगला क्वेश्चन ये है, तो ये क्वेश्चन जो है इसे फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको दिख जाए कि एक्स वाई का मान क्या, तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आप ट्राई करेंगे तो एक्स इंटू वाई 6 है, ठीक है, छोटा सा नंबर है तो ट्राई कर सकते हैं। तो कौन सा दो नंबर होगा, चाहे तो 2 × 3 होगा या 1 × 5 होगा या 3 × 2, ऐसे कर सकते हैं। तो हम लोग चेक करेंगे, मान लीजिए x का वैल्यू 3 पकड़ते हैं तो 2 × 3 = 6, y का वैल्यू 2 पकड़ना पड़ेगा, 6+2 = 8, मतलब x 3 हो गया और y मेरा 8 हो गया। आप ये बिठाइएगा, 3 का स्क्वायर ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर, 9 × 4 = 36 + 4 = 40, 40 इसका आंसर आ गया। इसको एक और तरीका है करने का जो हम सीखेंगे अभी, 2x + y = 8। देखिए ये 4x स्क्वायर है, ये 2x का स्क्वायर है, तो इसे हम लोग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x × y = 64। ठीक है, तो एक्स वाई कितना हो गया 6, ये 2 × 2 × 6 कितना हो गया 24, तो 4x स्क्वायर + y स्क्वायर = 64, ये प्लस में रह गया माइनस
24 = 40। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये हमारा बोले कि लेंथ ऑफ ए लॉन्गेस्ट स्टिक दैट कैन बी फिटेड इन ए क्यूबिकल वेसल हैविंग एन एज ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। बोला एक घनाकार बर्तन में जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, कितना फीट का सबसे लंबा रॉड डाला जा रखा जा सकता है। तो इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इसका सिंपल सा आंसर होता है उसके डायगोनल के इक्वल में। किसी भी चीज़ में अगर पूछा जाएगा उसके डायगोनल से बड़ा लंबा रॉड और कहीं डाला नहीं जा सकता है। तो किसी भी घन का डायगोनल का जो रॉड होता है वो कितना होता है, ए रूट थ्री। ए मेरा कितना है 20, तो 20√3 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सारे क्वेश्चन से जो एग्ज़ाम में आए एक्सेप्ट ग्राफ, ग्राफ आप खुद से ट्राई करें, और नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ बताइए कि ये इस पेपर का ये ग्राफ नहीं आ रहा है, आपको अलग से हम समझा देंगे। सो अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे जाएं, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके एग्ज़ाम के लिए। सो जो करना जो अच्छा लगे आप कर सकते हो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रैक्टिस हार्ड, क्लियर एग्ज़ाम। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर आवर एग्ज़ाम्स।